Good morning students, welcome back to the online class. So today we are going to start a new chapter in EVS, that is chapter 8, Let's Be Safe. So as naya chapter start karne wale hain, chapter ka naam kya hai? Let's Be Safe. Theek hai, to yahan par hum iske bare mein baat karenge, ab hamare safety ke bare mein. So sabse pehla cheez read karte aaiye. Accidents are caused when we are careless. Accident kab hota hai? Jab hum careless hote हैं, जब हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं. They can cause physical injury. और ये हमें कैसी injury, कैसा चोट पहुंचा सकता है? Physically, यानी बाहरी चोट. Injury का मतलब होता है चोट पहुंचना. Accidents can happen anywhere. Accident कहीं पर भी हो सकता है, चाहे वो घर पे हो, स्कूल में हो, रोड में हो, कहीं पे भी. It can happen anywhere. तो इस एक्सीडेंट को होने से रोकने के लिए what should we do? We should follow some rules. हमें कुछ rules follow करने चाहिए. So बात करते हैं safety rules की. The rules that helps in our safety. ऐसे rules जो हमारी safety के लिए हमें help करता हो, उसे क्या कहते हैं? Safety rules. We must follow them at all places. और हमें ये safety rules जो है वो हर जगह follow करना चाहिए. क्यों? ताकि हम जो injury है, जो accident है, उसे होने से रोक सके. तो सेफ्टी रूल्स एट होम. सबसे पहले अगर घर की बात करें तो घर में सेफ्टी रूल कैसे फॉलो करना चाहिए कि आपका कोई भी टॉयज है, बुक्स है, वो सब कहाँ होनी चाहिए? प्रॉपर प्लेस में. जब आप कचरा फेंक रहे हो, कोई भी गार्बेज है, तो उसे कहाँ डालोगे? डस्टबिन में या फिर ट्रैश कैन के अंदर. ठीक है, घर के अंदर कभी भी आपको स्विचेज और प्लग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा नाइट्स हो गए, फॉक्स हो गए, इन चीजों के साथ आपको घर में नहीं खेलना है. क्यों? क्योंकि इससे आपको चोट पहुंच सकती है. कभी भी किसी भी अनजान इंसान को दरवाजा खोलना नहीं है. मान लो घर में कोई नहीं है और आपके आगे कोई स्ट्रेंजर पर्सन आ जाता है जिसको आप नहीं जानते, तो उनके लिए आपको गेट ओपन नहीं करना है. घर पे आपको सीढ़ियों पे नहीं दौड़ना है. क्यों? क्योंकि आप गिर सकते हो. जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि बच्चा है, ठीक है, बुढ़िया का रंग रंग लगा है. छोटा बेबी है ना, इसे थोड़ी पता है ये चीज गलत है. इट इज रॉन्ग. हमें ध्यान रखना चाहिए. आप देखो, ये बच्चा माइक के साथ खेल रहा है. ठीक है, क्या ये सही है माइक के साथ खेलना चाहिए? नहीं, ये भी क्या है? रॉन्ग. अब आते हैं नेक्स्ट ऑन रोड. अब कुछ सेफ्टी रूल्स जो आपको रोड पे भी फॉलो करना चाहिए. तो सबसे पहला सेफ्टी रूल क्या है कि हमें जो ट्रैफिक लाइट है उसे फॉलो करना चाहिए. आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट में 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, है ना. तो सबके अपने अपने मतलब है. रेड बोलता है स्टॉप, ग्रीन बोलता है गो, एंड येलो बोलता है गेट सेट रेडी. तो ये सारे क्या है, ये सारे लाइट्स जो है वो हमें कुछ रूल्स बताते हैं जो हमें फॉलो करना जरूरी है. इसके अलावा जब भी आप रोड पे कहीं आपको जाना है तो आप किसका यूज करोगे? फुटपाथ का. ठीक है, रास्ते में कभी भी आपको खेलना नहीं है. इसके अलावा क्रॉस, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोड क्रॉस करना है तो व्हाट यू विल डू? यू विल क्रॉस द रोड ऑन अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है. ठीक है, गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, हेलमेट होना जरूरी है. और अगर मान लो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आपको तब कौन सी रूल फॉलो करनी है कि सबसे पहले आपको राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, और फिर वापस से राइट देखना है. उसके बाद ही आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑन रोड है ना. अब देखो, ये बच्चा यहाँ पे बस आ रहा है, बच्चा रास्ते में खेल रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है ना. ये गलत है. अब इसमें देख लो, ये पर्सन का एक हाथ यहाँ पे छोड़ा हुआ है, दोनों हाथ से गाड़ी नहीं चला रहा है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है. तो गाड़ी हाथ छोड़ना नहीं चलाना चाहिए. इसने हेलमेट भी नहीं पहना है, तो ये भी क्या है? गलत है. हेलमेट वगैरह पहनकर ही गाड़ी चलाना है. ठीक है, रास्ते में नहीं खेलना. तो ये सारे रूल्स है जो आपको रोड में फॉलो करने हैं. अब आते हैं इन स्कूल. स्कूल के अंदर कई बार हम क्या करते हैं? मस्ती करते हैं. बच्चे तो बेंच के ऊपर, डेस्क के ऊपर, चेयर के ऊपर कूदते रहते हैं, है ना, जंप करते हैं, स्टेयर्स में, कॉरिडोर्स में रन करते हैं. तो ये सारी चीजें क्या है? गलत है, है ना. बॉटल्स, बैग्स कहीं पर भी फ्लोर पर फेंकते हैं, तो दिस इज टोटली रॉन्ग. इससे क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है. जैसे कि देखो, ये बच्चा है, ठीक है, इन स्कूल. अब ये बच्चा चेयर के ऊपर क्या कर रहा है? मस्ती कर रहा है ना, खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है. अगर चेयर पे इस तरीके से खड़ा है, अगर चेयर थोड़ा भी फोल्ड हो गया तो ये तो बच्चा गिर जाएगा, उसको चोट लगेगी. तो क्या ये सही है?
गिरने जैसा हो गया है ना, सीढ़ियों से गिर रहा है, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि इसके दौड़ने के कारण क्या हुआ, सीढ़ियों से ये गिरने लगा और गिरा तो इसे चोट लगेगी। तो कुछ सेफ्टी रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं स्कूल के अंदर भी। अब लास्ट आता है एक बस, बस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब बस चल रही है तो आपको नीचे नहीं उतरना है ना ही आपको चढ़ना है, ठीक है। बस जब रुक जाएगी तभी आपको लाइन में लाइन एक क्यू बनाना है, उसके बाद ही चलना है, ऐसे नहीं कि धक्का वगैरह दे के चल गए, नहीं। और बस का वेट आपको कहाँ करना है, रोड पे नहीं करना है, बस स्टॉप पे करना है, ठीक है। और जब भी बस चल रहा हो तो किस चीज का ध्यान रखोगे कि बस के बाहर ना ही अपना सर निकालोगे ना ही अपने हाथ निकालोगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो बस स्टॉप पे है, ठीक है। अब ये एक बच्चा चढ़ रहा है तो दूसरे जो स्टूडेंट है वो खड़ी है ना, वो कहीं जा थोड़ी रही है, वो धक्का थोड़ी लगा रही है, यानी वन बाय वन हो रहा है। तो दिस इज राइट, यहाँ पर देखो बस में बच्चे बैठे हैं, है ना, किसी ने सर बाहर निकाला, किसी ने हाथ बाहर निकाला, नहीं। तो यानी ये भी क्या ऐसा नहीं कि हमको आइडली बैठना चाहिए, बस में मस्ती नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि बस जब चल रहा हो और जब हम मस्ती कर रहे हो तो हमें धक्का लग सकता है और हम गिर सकते हैं बस में, तो ये चीज भी गलत है। तो बस में आपको क्या करना है, बस में आपको अपनी ही सीट पे बैठे रहना है आइडली अच्छी तरीके से, और बस में जब आप चढ़ते हो तो मेक श्योर कि आप धीरे धीरे आराम से चढ़ रहे हो, ठीक है। अब दूसरे जो सेफ्टी रूल्स है उसकी बात पड़ेंगे। सम अदर सेफ्टी रूल्स, फर्स्ट यूज सेफ्टी ट्यूब्स और टोटल्स वाइल स्विमिंग। जब भी आप स्विम करते हो, ठीक है, तैरते हो, तो किस चीज का ध्यान रखोगे कि आपकी यहाँ पर ट्यूब, एक ट्यूब आता है हाथ में लगाने का ट्यूब, या फिर फ्लोटर्स आता है वो आप उसका यूज करें। नेक्स्ट, फॉलो रूल्स ऑफ गेम इन द प्लेग्राउंड। जब भी आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, ठीक है, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, एनीथिंग, खो खो हो गया, कुछ भी खेल रहे हो, उसके जो रूल्स है वो ध्यान से फॉलो करना जरूरी है, वरना हो सकता है हमें इंजरी हो जाए। डू नॉट पुश ऑन द स्विंग्स, इंस्टेड वेट फॉर योर टर्न। हम झूला झूलते हैं गार्डन में, तो कई बार क्या करते हैं हम कि नहीं हमें तो खेलना है, हमें जल्दी झूलना है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे को धक्का लगा देते हैं, वो क्या है, गलत है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। नेक्स्ट, नेवर जंप ओवर फेंसेस और वॉल्स। बाउंड्री बनी हुई होती है किसी किसी जगह पे, उसको फेंसेस बोलते हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल वॉल्स होते हैं, तो आपको उन जगहों से कूदना नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम मस्ती मस्ती में कूद जाते हैं, कई बार हमें चोट भी लग जाती है। वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल। जब भी आप साइकिल चलाएं तो साइकिल चलाते वक्त भी आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। हो सकता है अगर कोई पत्थर आ जाए, अगर कोई डॉग या कुछ भी पेट वगैरह आ जाए, तो उनको बचाने के चक्कर में किसी भी वजह से आपकी साइकिल अगर गिरती है तो एटलीस्ट आपका हेलमेट पहना हुआ होगा, तो आपको इंजरी कम होगी। डू नॉट स्काई काइट्स ऑन एन ओपन टेरेस। खुली छत में जहाँ पर बाउंड्री बिल्कुल ना हो, उधर आपको काइट्स फ्लाई नहीं करने हैं। एंड मेक श्योर जब भी आप काइट्स फ्लाई करो आपके साथ आपका कोई एल्डर मौजूद हो, ठीक है। यहाँ पर जो सेफ्टी रूल्स ये मैंने समझा दिए सब जगह के, ओके। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही शी गेट्स हर्ट और इंजर्ड। फर्स्ट एड वो एड है जहां पर एक ऐसा हेल्प, ठीक है, जो आप इमरजेंसी में किसी को देते हो, ठीक है, इमरजेंसी में आप किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी भी पर्सन को जिसको भी इंजरी लगी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी पर्सन को अगर चोट लगी है तो आप उसको जो इमीडिएट हेल्प देते हो ना, हाथों हाथ जो आप उसको मदद करते हो, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन गिर गया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसे उठाओगे, ठीक है, आपके पास अगर कुछ बैंडेज वगैरह है तो आप उसे वो लगा दोगे, तो ये हो गया फर्स्ट एड, ठीक है। इसके अलावा आप मान लीजिए अगर घर पे, अगर घर पे किसी को चोट लग जाए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, किसी एल्डर को बोलोगे, अपने किसी बड़े को। और यही चीज अगर स्कूल में हो जाए, जैसे कि स्कूल में कोई बच्चा खेल रहा है, कोई बच्चा गिर गया है, तो आप उनको उठा के बैठाओगे और सबसे पहले किसे इन्फॉर्म करोगे, टीचर को इन्फॉर्म करोगे, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट एड। या फिर मान लीजिए किसी को हाथ जल गया, ठीक है, तो हाथ जलने के कारण स्वेलिंग्स होने लगती है, तो आप इमीडिएट हेल्प जो फर्स्ट एड आप उनको दे सकते हो, वो क्या है, आइस क्यूब्स लगाना, बर्फ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी किसी को चोट लगे तो आप पैनिक नहीं होना, ठीक है, एक होता है ना घबरा जाते हैं, वो घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि व्हाट वी शुड डू टू हेल्प द पर्सन, उस पर्सन को हेल्प करने के लिए क्या करना है, आपको
भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। कुछ सेफ्टी रूल्स जैसे कुछ चीजें जो गलत हम करते हैं, जैसे कि प्लगिंग स्विचिंग करना, ठीक है, या फिर नाइफ वगैरह के साथ खेलना, बेंच या फिर चेयर में खेलना, स्टेयर्स में रनिंग करना, या फिर जब हम चलती बस में चढ़ते हैं हाथ बाहर निकालते हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो हमें हमेशा वेट करना चाहिए अपने टर्न का, ठीक है। इसके अलावा बस में एकदम शांति से आइडली बैठना चाहिए, रास्ते में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, हमें हेलमेट लगा हुआ होना चाहिए और हाथ बिना छोड़े ड्राइव करना चाहिए, ठीक है, सीट बेल्ट वगैरह लगाना चाहिए। तो ये सारे कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमें हमारे डेली लाइफ में फॉलो करना जरूरी है।